हेलो। क्वेश्चन में क्या है आपका कि दिया हुआ है? क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। टू वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। टू वेक्टर जो है इंक्लाइंड एट थीटा हैव मैग्नीट्यूड 3 और 5 एंड देयर रिजल्टेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ 4 न्यूटन द एंगल ऑफ थीटा। जैसे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये 3 है, दूसरा वेक्टर ये 5 है। जब 3 है ये 5 है, दोनों की एंगल कितना है? थीटा। अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा? इसी को शिफ्ट किया है ना, यहाँ से कर रहे हैं पैरेलल शिफ्टिंग करके। शिफ्टिंग करने में वेक्टर लग कहीं भी कर सकते हैं। इसको उठा मारा, रिजल्टेंट लेना है जिसका क्या हुआ, हेड बेस पे टेल को लाना होगा, जिसको शिफ्ट कर दिए। इस तरह से हो गया। अगर ये थीटा ये भी किए क्या होगा? थीटा होगा। और ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? पाई माइनस थीटा होगा। अब यहाँ से लिख देते हैं कॉस 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 -3/5। थीटा कितना होगा? क्योंकि थीटा ही एंगल बिटवीन है, कॉस इनवर्स -3/5, यही आंसर होगा। सिंपल था क्या? यहाँ से थीटा है, 3 और 5 है एंगल थीटा, तो शिफ्ट कर दिए और यहाँ से क्या निकाल दिए, ये थीटा हो गया। फिर राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। कि 3, 4, 5 क्या होता है? एक मतलब मैजिक नंबर है या मैजिक ट्रेंगल का नंबर साइड है 3, 4, 5। यहाँ से आपका कॉस 3/3 कॉस, ये थीटा नहीं, ये थीटा ये कितना है? पाई माइनस थीटा। पुट कर दिया यहाँ से, कॉस थीटा आ गया। अब ऑप्शन क्या आ गया? दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर पी एंड क्यू। दो वेक्टर है पी एंड क्यू, उसके बीच का मैग्नीट्यूड क्या है? पी और क्यू जो भी है, इसका रिजल्ट में मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कितना है? -1 है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 10/3/5। तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट यही है। अगर मान लो ये पी है, ये आपका क्यू है, ये रिजल्टेंट है, ये एंगल जो बन रहा है कितना बन रहा है? इसको एंगल को क्या बोलते हैं? अल्फा। 10 α बराबर कितना है? अगर इस एंगल को क्या बोले? अल्फा। अल्फा आपका 10 इनवर्स 4/3/4। 10 इनवर्स 3/4। 10 α कितना होगा? 3। इसको इधर कर दोगे तो क्या हुआ? 10 α 3/4। 3/4 मीन्स ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर अगर ये राइट एंगल लिखते हैं, ये आपका होगा परपेंडिकुलर बेस, ये आपका 3 हो गया। परपेंडिकुलर ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये कितना होगा? 5। ये एंगल कितना होगा? राइट एंगल ट्रेंगल, क्योंकि आपको बताए थे ये जो है आपका राइट एंगल ट्रेंगल। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना होगा? 90 डिग्री। क्या ऑप्शन होगा? 4। हमें पता है कि अगर ये 3, 4, 5 है इस तरह से, अगर ये आपका ये मैजिक ट्रेंगल है जिसमें आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रेंगल होता है, ये अगर 3 है तो ये 4 है, ये आपका 4 है, 4, ये 3 और ये 5, इसके बेस ये 90 डिग्री होता है और ये कितना होता है? 53 डिग्री। कितना होता है? 36।
यहाँ से एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या हुआ, अगर ये 90 हुआ तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो ये है, इस तरह से शिफ्टिंग किए हुए ये तो कितना होगा 90 डिग्री, आपको इसी को शिफ्ट किया है ना, ये वेक्टर यही तो शिफ्ट हो गया यहाँ है ना, ये एंगल होना चाहिए एंगल बिटवीन, ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा।